नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। यूगल एप्स प्रमुख नॉन फंजिबल टोकन प्रोजेक्ट बोर्ड एप यॉट क्लब के पीछे की कंपनी ने इंडस्ट्री में चल रही चुनौतियों के बीच रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर ली है। यूगल एप्स के सीईओ डैनियल एलेग्रे ने 17 अक्टूबर को एक्स पर रिपोर्ट दी कि कंपनी ने अपने रिस्ट्रक्चरिंग को अंतिम रूप दे दिया है, जिसकी घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की गई थी। एलेग्रे ने कहा, अब हम अपनी नई टीम कॉन्फ़िगरेशन के साथ फोकस को रिफाइन करने का काम शुरू कर रहे हैं। ये दोहराते हुए कि कंपनी अदर साइड के एग्जीक्यूशन को प्राथमिकता देगी। एक गेमिफाइड और इंटरऑपरेबल मेटावर्स प्रोजेक्ट, जिसे युगा ने मार्च 2022 में शुरू किया था। एलेग्रे ने इस बात पर जोर दिया कि इमर्सिव मेटावर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण टेक्निकली और क्रिएटिवली दोनों रूप से कठिन है। यूगल एप्स के कोफाउंडर ग्रेग सोलानो ने पहले 6 अक्टूबर को कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की थी, जिसे कहा गया था कि युगा को कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्लेयर ने अपने शिमरविल रोब्लॉक्स गेम पर आधारित 11 फिजिकल आइटम्स के कलेक्शन का अनावरण किया, जिसे उसने पिछले अक्टूबर में लॉन्च किया था। आइटम जिसमें 5 इन गेम पेट्स की प्लशीज, साथ ही प्लश नोटबुक्स, एक स्टेशनरी सेट और पेन, एक मिनी बैकपैक और कीरिंग्स शामिल हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए और नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में क्लेयर के स्टोर पर उपलब्ध है। क्लेयर इस कलेक्शन को उसी हफ्ते जारी कर रहा है जिसे हफ्ते वह अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को अपडेट कर रहा है। क्लेयर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्रिस्टन पैट्रिक ने मॉडर्न रिटेल को बताया कि क्लेयर के शिमरविल को विकसित करने में फिजिकल मर्चेंडाइज नेचुरल नेक्स्ट स्टेप था। एक ऐसा गेम जिसमें प्लेयर्स ड्रीम होम डेकोरेट कर सकते हैं, एक पेट रख सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और क्लेयर के एक्सेसरीज और क्लोथ्स के साथ अपने अवतार्स को तैयार कर सकते हैं। क्लेयर ने पिछले दिसंबर में गेमिंग क्रिएटर मेगन प्लेस के साथ ऑनलाइन और स्टोर्स दोनों में 23 पीस कलेक्शन लॉन्च किया था। रोब्लॉक्स पर 12 आइटम उपलब्ध थे। मर्चेंडाइज जबकि शिमरविल से जुड़ा था, उसमें ओरिजिनल शिमरविल कैरेक्टर्स या विशेष रूप से गेम से प्रेरित आइटम शामिल नहीं थे। इस हफ्ते ये पहली बार है कि क्लेयर ऐसा कर रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। यूनाइटेड किंगडम नवंबर 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी पर दुनिया के इनॉग्रल इंटरनेशनल समिट की मेजबानी करेगा। यह इवेंट ब्रेक्सिट के बाद टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच मीडिएटर के रूप में यूके की उपस्थिति स्थापित करना चाहती है। 1-2 नवंबर को होने वाला समिट, ये AI समिट द्वारा प्रस्तुत पोटेंशियल एक्सिस्टेंशियल थ्रेट पर महत्वपूर्ण जोर देगा, जो कोई लेजिस्लेटर्स द्वारा साझा की गई चिंता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जो यूके को AI सेफ्टी के केंद्र के रूप में देखते हैं, उन्होंने भी मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स के डेवलपमेंट के लिए क्रिमिनल्स और टेररिस्ट द्वारा AI का एक्सप्लॉइट किए जाने की आशंका व्यक्त की है। समिट का उद्देश्य AI रेगुलेशन पर ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू करना है, क्योंकि इस हफ्ते के आयोजन के लिए यूके गवर्नमेंट द्वारा जारी एजेंडा में टेक्नोलॉजी की अनप्रडिक्टेबल प्रोग्रेस और इस पर नियंत्रण खोने के मानव नुकसान को जोखिम के बारे में बातचीत शामिल है। Over to you, Roshni. Directive on Administrative Cooperation का 8th iteration एक cryptocurrency tax reporting rule formally 17 अक्टूबर को European Union की Council द्वारा अपनाया गया था। EU के official journal में publication के बाद regulation लागू होगा। Market in crypto assets legislation के लागू होने के बाद मई 2023 में DAC को मंजूरी दी गई थी। Revised program के नाम में नंबर 8 को शामिल करने का संकेत मिलता है कि ये 8th वर्जन है, जिसमें हर पिछला निर्देश फाइनेंशियल सुपरविजन के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित है। DAC 8 का उद्देश्य टैक्स कलेक्टर्स को EU से किसी भी अन्य मेंबर स्टेट के भीतर इंडिविजुअल या एंटिटीज द्वारा किए गए हर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करना है। अपने प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में DSC 8 क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और माइका के निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन करता है, जो प्रभावी रूप से यूरोपियन यूनियन के भीतर सभी क्रिप्टोकरेंसी एसेट ट्रांजैक्शन को शामिल करता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मंगलवार को व्यापक रूप से फैले दाव के बावजूद रोब्लॉक्स ने इस बात से इनकार किया है कि वो XRP पेमेंट्स का समर्थन करेगा। सोमवार देर रात अफवाह फैलनी शुरू हुई, जब पेमेंट्स प्रोसेसर बीटपे ने ट्वीट किया कि यूजर सपोर्टेड गेम्स में X16 पेमेंट्स के लिए रिपल के XRP टोकन का उपयोग शुरू कर सकते हैं और फ्री टू प्ले गेम रोब्लॉक्स और स्माइट को ट्रैक किया। हालांकि पोस्ट को हटाने के बावजूद अफवाह तेजी से फैल गई। इस खबर की गलत व्याख्या की गई कि क्योंकि रोब्लॉक्स ने XRP को अपनी पेमेंट ऑफरिंग में एकीकृत किया है, लेकिन ऐसे दावे अनवेरिफाइड है और उनके पास वैलिड सोर्स का अभाव है।
रोब्लॉक्स ने कहा कि इस तरह के दावे, जिनमें ये विचार भी शामिल है कि गेमर्स के लिए XRP लाने के लिए रोब्लॉक्स बीटपे के साथ टीम बना रहा है, बिल्कुल गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।